लेकिन मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कही। दोस्तों 2021 आ चुका है और जो कोरोना ईयर है 2020, जिसमें हमने देखा कि इस कोरोना ने पूरी दुनिया का क्या हाल किया और कितना नुकसान पहुंचाया मानव जाति को। और दोस्तों 2021 की स्टार्टिंग में ही गुड न्यूज़ भी मिली कि वैक्सीन आ चुकी है और इंडिया में कई वैक्सीन्स को, जो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स हैं, उनको परमिशन मिली है इमरजेंसी यूज़ के लिए। और साथ के साथ इंडिया में कई जगह ड्राई रन चल रहा है कि भाई वैक्सीन आएगी तो हम लोगों को कैसे वैक्सीन लगाएंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पूरे प्रोसीजर को, जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर होगा इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, जो इस चीज़ को, जो ये वैक्सीन है, इसको विवादित बना रहे हैं और अपना क्या इंटरेस्ट है उनका इसके पीछे कि लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं लाइफ इजी चैनल पे और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इन्हीं लोगों के बारे में जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों 2020 हमारा ऐसा बीता है कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इस कोरोना वायरस ने पूरे 2020 को बर्बाद कर दिया, पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर दिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ठप कर दी और जो मानव जाति है उसको इतना नुकसान पहुंचाया। हमने देखा कि यूरोप में कितना नुकसान हुआ जान का, कई मौतें हुई, अमेरिका जो सुपर पावर है वर्ल्ड का उसका बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर एक दिन में इतनी डेथ हो रही है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो कंट्री बैकफुट पर आ गई है ड्यू टू कोरोना वायरस। और यूरोप का इटली, फ्रांस और जर्मनी का हमने हाल देखा ही कि वहाँ पे क्या हाल हुआ। और रिसेंटली अभी जो यूके में नया स्ट्रेन आया है उसको बताते हैं कि वो 70% ज़्यादा खतरनाक है और 70% तेज़ी से फैलता है। तो दोस्तों इन्हीं सब के बीच लोगों को उम्मीद बनी कि वैक्सीन आई, कई जगह पे ट्रायल चल रहे हैं, कई जगह पे वैक्सीन देना स्टार्ट भी हो गया है। इसी के बीच इंडिया में भी गुड न्यूज़ आई, इंडिया में भी होममेड जो हमारी मेक इन इंडिया वैक्सीन्स हैं उनको परमिशन दी गई इमरजेंसी यूज़ के लिए। और साथ के साथ इंडिया में ड्राई रन स्टार्ट हुआ कि भाई वैक्सीन आने के बाद हम लोगों को कैसे वैक्सीन देंगे, उसका ट्रायल होने लगा, उसकी प्रैक्टिस होने लगी। लेकिन दोस्तों वैक्सीन आई नहीं और लोगों ने इसको विवाद में खड़ा कर दिया। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कुछ मुस्लिम सिलेक्टेड मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस वैक्सीन को धर्म से जोड़ दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि भाई ये वैक्सीन हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि इसमें सुअर का मांस यूज़ हुआ है, सुअर के एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं। लेकिन जो कंपनियां, जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने साफ मना किया कि भाई ये अफवाह है, इसमें किसी भी जानवर के एलिमेंट्स नहीं यूज़ हुए, खासकर सुअर के तो कतई नहीं यूज़ हुए, तो ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है और ये कोई हराम वैक्सीन नहीं है। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, दोस्तों अभी रिसेंटली यूपी की एक बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भरी कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है और मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा और मेरी जब सरकार आएगी तो ये वैक्सीन सबको फ्री में दूंगा। आप सुनिए उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। दोस्तों अब आपने समझा होगा कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग हैं, चाहे वो इस वैक्सीन को धर्म से जोड़ें चाहे इसको राजनीति से जोड़ें। भाई ये वैक्सीन है, ये दवाई है, अगर आप इसको धर्म से जोड़ेंगे तब भी आपका नुकसान है और अगर आप इसको राजनीति से जोड़ेंगे तब भी आपका नुकसान है। अगर आप लोग इन लोगों के बहकावे में आके वैक्सीन नहीं लेते हैं तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा आपका, सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, आपके परिवार के लोग हुए, आपके फ्रेंड्स हुए या आपके आसपास के लोग हुए, वो सब लोग इससे इफेक्टेड होंगे। आप एक उनके लिए खतरा बन के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होती है और ये कितनी खतरनाक बीमारी है, सबको पता चल गया, सब इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे लोगों को समझिए आप कि ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, ये लोग राजनीति के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। अरे यार बीमारी ये थोड़ी ना देख के आएगी कि ये बीजेपी का मेम्बर है या समाजवादी पार्टी का मेम्बर है, और ये वैक्सीन उसको असर करेगी जो हलाल मानता है या हराम मानता है। मतलब इन सब चीज़ों से आगे बढ़िए, धर्म पहले आता है मानते हैं हम, लेकिन उससे भी पहले इंसानियत आती है, इंसान की जान आती है। और इन लोगों के आप इंटेंशन समझिए, वैक्सीन आती मैं बता रहा हूँ सबसे पहले ये लोग खुद वैक्सीन लगवाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये लोग कैसे जुगाड़ करके, क्योंकि इंडिया तो जुगाड़ में आगे है, ये लोग कहाँ से जुगाड़ करके वैक्सीन लगवा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और पब्लिक में आके चिल्लाएंगे कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये हलाल है, ये हराम है, ये है, ये वो है। सऊदी अरेबिया
जो इस्लाम में एक लीडर माना जाता है उस कंट्री को, वहाँ के प्रिंस ने अभी रिसेंटली वैक्सीन लगवाई, तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने कोई अपराध कर दिया या कोई गैर इस्लामिक काम कर दिया? भाई इस्लाम में सऊदी अरेबिया की क्या अहमियत है ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ के प्रिंस ने खुद आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाई, और हमारे यहाँ इंडिया में यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन हराम है, मतलब सोचने वाली बात है। और लोग इनको सुन भी रहे हैं, लोग इनको, कई लोग तो इनको डिफेंड भी कर रहे हैं, मतलब हद है। आप समझिए, अपनी जान को बचाइए और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, और मेरा एक ही मैसेज है कि भाई बहकावे में मत आइए। बीमारी ये नहीं देखेगी कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है और आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लोग अब कई मुद्दों से ऊपर उठ चुके हैं, तो अब यहाँ पे वैक्सीन को ही मुद्दा बना दिया है। लोग जातिवाद को पीछे छोड़ चुके हैं, लोग धर्म से भी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे इंडिया में, और अब इंडिया टेक्नोलॉजी की तरफ देख रहा है। टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप होगी, इंडिया को टेक्नोलॉजी में कैसे सुपर पावर बनाना है, इंडिया उस तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसी बीच ये जो छोटी सोच के लोग हैं वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, उन्हें जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो इस बीमारी को अब वो बहाना बना रहे हैं, इस वैक्सीन को बहाना बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत यूज़फुल लगी हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।